नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शिवपुरी में वन विभाग की टीम ने पत्थर का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते ट्रैक्टर और टर्बो की जब्त, चालक फरार, मामला दर्ज। खबर खनियान थाना से है, जहां वन विभाग खनियान थाना की अवैध उत्खनन कर्ताओं पर एक के बाद एक कार्यवाही देखने को मिल रही है। वही रेंजर अनुराग तिवारी के निर्देश पर खनियान थाना डिप्टी रेंजर रवि शंकर पटेरिया की टीम ने खनियान थाना वन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कसई खदान से मुखबिर की सूचना पर करीब रात 12 बजे अवैध उत्खनन करते एक ट्रैक्टर और टर्बो को पकड़ा है। पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहा था। जैसे ही वन विभाग की टीम को अवैध उत्खनन कर्ता ने देखा तो पत्थर से भरी टर्बो और ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल खनियान थाना वन विभाग की टीम ने पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर और टर्बो को पकड़ कर खनियान थाना सब रेंज में लाकर रखा है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि खनियान थाना वन विभाग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक ट्रैक्टर और टर्बो रोज वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहा है। ट्रैक्टर और टर्बो में फर्शी एवं पटिया भरे हुए पाए गए, जिसको तुरंत पकड़ कर खनियान थाना डिप्टी रेंजर रविशंकर पटेरिया ने वन अधिनियम के अंतर्गत अवैध उत्खनन कर्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर और टर्बो से कई दिनों से अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना वन विभाग को लगातार मिल रही थी। तब वन विभाग ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और अवैध उत्खनन और परिवहन कर्ता माफियों पर कार्यवाही की गई। आइए जानते हैं रविशंकर पटेरिया डिप्टी रेंजर ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। टर्बो के लिए पकड़ा है, क्या मामला है? रात्रि 12 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि कसई खदान पर एक ट्रैक्टर टर्बो में फर्जी पत्थर भर रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर हम परिक्षेत्र सहायक खनियान थाना और स्टाफ के साथ खदान पर पहुंचे तो वहां पर एक टर्बो में पत्थर पटिया भरे जा रहे थे। वन स्टाफ को देखकर मौके से जो भी अपराधी थे भाग गए और मौके पर एक टर्बो और ट्रैक्टर आयसर कंपनी का ट्रैक्टर जब्त किया गया है, जिसे लाकर खनियान थाना सब रेंज में रखा गया। इसमें चालक भी मिला है या फरार हो गया? चालक फरार हो गया। मौके से सभी जो मजदूर थे और चालक था, सभी लोग फरार हो गए।